भारत के जन्मादिन नौजवान सभा ने 24 घंटे की भूख हड़ताल केंद्र सरकार के खिलाफ रोजगार देने का जो वादा किया था उस पर नारा दिया गया है कि मेरा रोजगार। इस पर जनवादी पार्टी जिला अध्यक्ष सत्यमान भवन सिंह ने कहा है कि हम लोग तिकोनिया पार्क पर 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जो वादा किया गया था 2014 में चुनाव के दौरान भाषण दिया गया था कि हमारी सरकार आएगी तो 2 करोड़ प्रति वर्ष नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। मोदी सरकार की यह वादा था। आज आश्चर्य की बात है कि कुछ भी नहीं वादा पूरा हुआ। आप देख सकते हैं प्राइम मेकी न्यूज चैनल के लिए आजम खान की रिपोर्ट फैजाबाद से। की भूख हड़ताल पे हम लोग यहाँ बैठे हैं वो भारत की जनवादी नौजवान सभा के राष्ट्रीय आवाहन पे हम लोग पूरे देश के अंदर, देश के प्रदेश के अंदर, प्रदेश के हर जिलों के अंदर आज हम लोग रोजगार के सवाल पे पूरे देश के अंदर केंद्र की युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ आज हम लोग भूख हड़ताल करके केंद्र सरकार को यह बताना चाहते हैं कि आपने जो वादा किया था 2014 में चुनावी, जब आपका चुनावी दौर चल रहा था उस दौर में आपने भाषण दिया था कि हमारी सरकार आएगी। 2014 में आपने बोला था कि सरकार आने के बाद हम 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौजवानों को रोजगार देंगे। आज हम मोदी से यही पूछना चाहते हैं, आज हम केंद्र सरकार से यही मांग करते हैं कि जो आपने कहा था आज उसका आप वो वादा आप पूरा करें। हम कोई अलग से मांग नहीं कर रहे हैं, जो आपने अपने भाषणों के दौरान बोला था समाज के लिए, आज बड़े पैमाने पे नौजवान, हिंदुस्तान का नौजवान बेरोजगारी की मार झेल रहा है। बड़े पैमाने पे आज तमाम नवयुवकों को आज बेरोजगारी बढ़ी है। बड़े पैमाने पे आज देश के अंदर मजदूरों का शोषण हो रहा है। बड़े पैमाने पे आज किसान आत्महत्या कर रहा है। और तमाम आपने चुनाव के पहले जुमलेबाजी किया और देश को गुमराह करके, देश की जनता को, नौजवानों को, छात्रों को, मजदूरों को गुमराह करके आपने सत्ता हासिल कर लिया। उसके बाद 4 साल से ज़्यादा समय बीत गया, आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया। आज इसलिए जिम्मेदारी नौजवान सभा की बनती है कि हम नौजवानों और छात्रों की बात करने वाले संगठन के लोग हैं। हमारा उद्देश्य है, हमारा संविधान है कि सबको शिक्षा सबको काम। इस लड़ाई को लेकर के, इस नारे को लेकर के हम लोग आंदोलन करते हैं और हम केंद्र सरकार से क्या मांगे कर रहे हैं आप? हम मांग कर रहे हैं कि नौजवानों को रोजगार दो। हम मांग कर रहे हैं।